इंडिया ने अमेरिका को लूट लिया, जो लेना चाहता था वो लेकर दिखाया, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा ले लिया। और अमेरिका ने चू नहीं की, मतलब एक चू नहीं निकली अमेरिका की, और उसने वो सब कुछ इंडिया को दिया जो जो चाहिए, दूसरी कंट्रीज़ को वो नहीं देते। आप देखें कहाँ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं। देखिए ये होता है कि आप कैसे फ़ायदा उठाते हैं वक्त से और अपनी ताकत से और अपनी स्ट्रेटजी से, अपनी पॉलिसी से भी, लेकिन जिस जगह पर इस वक्त आप हैं उससे कैसे ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ बनाई हैं कि वो एक उधर जा रहे हैं। होता ये है पूरी दुनिया में कि जहाँ पर अमेरिका का सदर जा रहा हो तो वहाँ पे हलाहला पड़ जाती है, मुसीबत आ जाती है कि भाई अमेरिका के सदर ने आना है। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जाना है अमरीका, तो हलाहला पड़ी हुई है और कह रहे हैं कि भाई उनका ये एग्रीमेंट्स हमें करने हैं, उनके लोग उधर जा रहे हैं, उनके लोग उधर जा रहे हैं। और बहुत सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता है जिसकी आस लगाई जा रही है, 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। जो इंजन बनाएंगे हम एमका का, उसकी जो कि इंडिया ने इससे पहले इंजन बनाए हैं, बहुत छोटे छोटे नेट का इंजन बनाया या MiG-21 का इंजन बनाया, लेकिन ये एक बड़ी चीज होगी कि इंजन हम खुद बनाएंगे। साथ में डिफेंस कॉर्पोरेशन में, सेमीकंडक्टर में बड़े सारे अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं कि भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रांग है। और मैं फ्यूचर के लिए एक आपको आज बात बताना चाहूंगा, अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा आपसे, वरना बात नहीं करेगा। भारत इस अमेरिका इस वक्त अमेरिका की झोली में पड़ा है, उनसे पूछे बगैर आपसे, भारत की झोली में, यहाँ IMF के अंदर भी और वर्ल्ड बैंक के अंदर भी और बिल्कुल वॉशिंगटन डीसी के अंदर टोटल जो है वो भारत की मर्जी चल रही है। आपको फैटफ से भी भारत से पूछ के निकाला गया था और फ्यूचर में भी भारत से पूछा जाएगा कि आप माइंड तो नहीं करेंगे पाकिस्तान से बात कर। नहीं दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के US विजिट की इंफॉर्मेशन धीरे धीरे अब मीडिया के सामने आ रही है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो बाइडन मिलकर इंडस एक्स एक प्रोजेक्ट चलाने वाले हैं, जहां पर भारत और अमेरिका के स्टार्टअप मिलकर डिफेंस सेक्टर में काम करेंगे। वहीं पर इस काम में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी US और भारत मिलकर काम करने वाले, और इसलिए माइक्रोन एक सेमीकंडक्टर कंपनी ने भारत में $1 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान बना लिया है, जहां पर वो भारत में ही पैकेजिंग प्लांट लगाएंगे, जहां पर वो $1 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। और इस $1 बिलियन को वो आने वाले कुछ समय में $2 बिलियन तक भी लेके जाना चाहते हैं। इन सभी में से भारत के लिए महत्वपूर्ण डील जनरल इलेक्ट्रिक की 414 इंजन की है, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए रेडी हो गया है और अब इन सभी इंजनों को भारत में बनाया जाएगा और एमका में यूज किया जाएगा, जो कि भारत का 5th generation एयरक्राफ्ट है। और इसे भारत बाकी दुनिया को एक्सपोर्ट भी कर सकता है, जिससे भारत अब बाकी कंट्रीज के लेवल पर आ जाएगा, जो कि 5th generation फाइटर जेट डेवलप और उसको बाकी कंट्रीज को बेच रहे हैं, जहां पर इंडस एक्स प्रोजेक्ट लगाकर भारत ने और अमेरिका ने ऐसे 15 स्टार्टअप्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया है, जो भारत और US के डिफेंस सेक्टर्स को एक अलग लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं। क्या इतनी सहूलियत भारत को देकर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने भारत के लिए अपना खजाना खोल लिया है और भारत है कि अमेरिका को लूटते जा रहा है? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। से पहले आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। अब मुझे पता नहीं कि इंडिया में घर कैसे हो गए, लेकिन जब मैं इंडिया में रहता था तो हर मिडिल क्लास घर में एक गोदरेज की अलमारी होती थी ना, अलमारी के अंदर एक लॉकर होता था, आपके फैमिली के सारे गुड्डीज उसमें होते थे, ना सिर्फ पैसे, अच्छे कपड़े, बल्कि खजूर वगैरह जो महंगे ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी खजाना गोदरेज की अलमारी में होता था, याद है आपको? तो मुझे लगता है कि अमेरिका ने अपनी गोदरेज की अलमारी की चाबी इंडिया को देने के लिए तैयार हो गए। अच्छा, जब इज इट अ गुड साइन और अ बैड साइन सर? सी, ये चक्कर है कि जब सास बहू को जब
अलमारी की चाबी देती है, उसके साथ जिम्मेदारियां भी आ जाती है ना। सो आई हैव अ फीलिंग कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आएंगे, बाइडन इज गोइंग टू गिव हिम द की टू द गुडीज। तो जो प्रोजेक्ट्स रेकमेंड कर रहे हैं, मतलब F414 तो इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन। मतलब इंडिया जो पिछले 15-20 साल से कोशिश कर रहा है टू मेक अ फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी के तरफ, तेजस के लिए भी जो जेट इंजन वो नहीं बना सके, दे आर स्टिल यूजिंग फॉरेन मेड इंजन्स, तेजस 2 के लिए दिस विल बी अ परफेक्ट फिट। और सो इंडिया का एकदम ऐसा क्वांटम जो ग्रोथ होती है ना, ऐसा नहीं, एकदम ऐसा ग्रोथ होने वाली है, इट बी लाइक दिस। सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि अगर कुछ भी ना हो इस ट्रिप में, अगर सिर्फ 414 की सिग्नेचर हो जाती है और कांग्रेस के तरफ से उसके ट्रांसफर का अप्रूवल मिल जाता है, सो द डील इज वेरी इंटरेस्टिंग। ना सिर्फ इंडिया विल बी एबल टू मेक 200-300 से ज्यादा इमीडिएटली इंजिन्स, एक दो साल के अंदर इट विल शोर अप इंडियाज एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज, स्ट्राइक कैपेबिलिटीज, काउंटर ऑफेंसिव, और उसके बाद इंडिया कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट दैट इंडियन मेड, मतलब फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट के इंजिन्स। हमने बड़ी क्या बात की, बड़े असले है कि जो एग्रीमेंट्स हुए और सब कुछ, लेकिन मैं इस वक्त बात करूंगी एक ऐसा एग्रीमेंट या डील है कि जिसके ऊपर हमने अभी तक ज्यादा बात नहीं की, वो ये है एक चिप फैक्ट्री की बात की जा रही है, और इसके ऊपर खबर दुनिया न्यूज़ में पब्लिश हुई, उसमें यह है कि माइक्रोन नियर्स $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया चिप पैकेजिंग प्लांट, माइक्रोन टेक्नोलॉजी इज क्लोज टू सेटिंग अप ए चिप पैकेजिंग फैक्ट्री इन इंडिया। ये ब्लूमबर्ग में भी रिपोर्ट शाया हुई है, जहां से दुनिया न्यूज़ में आई है। इसमें यह कहा जा रहा है कि अनाउंसमेंट जो है दैट कुड बी मेड नेक्स्ट वीक व्हेन पीएम मोदी विल बी देयर इन यूएसए, जब विजिट पे, तो उस वक्त इसको सही तरीके से अनाउंस किया जाएगा। वैसे ये जितनी भी अभी डिटेल सामने आ रही है, सब के सब फाइनलाइज होंगे उसी वक्त जब वो वहां पर होंगे। सो इट विल बी ए ह्यूज, इंडिया की ना सिर्फ डोमेस्टिक आत्मनिर्भरता जो जिसकी बात की जाती है डिफेंस में, वो बढ़ जाएगी, इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ जाएगी, इंडिया की कैपेबिलिटीज एज ए डिफेंस एक्सपोर्टर भी बढ़ जाएगी, समझे ना, ये 3 चीजें हो जाएगी। सो मतलब आत्मनिर्भरता, डिफेंस कैपेबिलिटीज और डिफेंस एक्सपोर्टर, ये तीनों चीजें बढ़ जाएगी। बट लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो प्रपोज की जा रही है, एंड वी हैव टू सी कि वो किस हद तक सही होती है या नहीं, इस ये जो इंडस एक्स का जो प्रोजेक्ट आ रहा है, तो दिस इंडस एक्स प्रोजेक्ट में एक आइडिया है कि उसे कहते हैं इनोवेशन ब्रिज। तो दिस इज समथिंग वेरी न्यू, वेरी यूनिक, और मुझे लगता है कि दिस इज क्लियरली लुक्स लाइक एन इंडियन आइडिया। तो बेसिकली ये चाह रहे हैं कि जो अमेरिका के डिफेंस स्टार्टअप्स, टेक स्टार्टअप्स और इंडियन टेक स्टार्टअप्स में दे विल वर्क टुगेदर टू जनरेट डिफेंस इनोवेशन। तो डिफेंस के एरिया में जो चीजें इनोवेट की जाएंगी, दे विल वर्क टुगेदर। तो उसमें हो सकता है, लेट्स से के ये वाइल दे आर वर्किंग टुगेदर दे कम अप विद एन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हिच इज गोइंग टू रिप्लेस 6th जनरेशन फाइटर्स। तो समझे आप, इट इज लाइक सेइंग के यू आर गोइंग टू कैच अप, इंडिया विल इमीडिएटली कैच अप विद द स्टेट ऑफ द आर्ट इन डिफेंस टेक्नोलॉजीज, क्योंकि इनोवेशन को डोमेस्टिक जनरेटेड हो जाएगा ना। सो द यूएस डिफेंस विल ऑल्सो बी मूविंग on parallel to Indian defense innovation. Boom आया था information technology में, और उस पे उसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका के अंदर भारतीय निजात Americans ने, उन्होंने उठाया, उनका influence बढ़ा। इस वक्त अगर White House की appointments आप देखें तो you will be surprised, policy related appointments, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ appointments। यहाँ पे इस वक्त जो बाइडन के स्पीच राइटर इज इंडियन, और व्हाइट हाउस का इस वक्त जो मीडिया इंचार्ज है, जो सोशल मीडिया का, दैट इज इंडियन एज वेल। अब इस वक्त हमारी वाइस प्रेसिडेंट, शी इज इंडियन निजात। इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के 2 कैंडिडेट जो है, रिपब्लिकन पार्टी के निक्की हेली है और दूसरा विवेक जो है वो भी भारतीय निजात है। मैं एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूं, मेरा पाकिस्तान के लिए फीलिंग्स है। मैं एक अफसोस के साथ ही कहता हूँ कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोग पढ़ के आके अमेरिका में हर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओस बन रहे हैं, लेकिन यहाँ हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से पढ़ के हमारे पाकिस्तानी निजात जो हैं, 400-400 साल पुराने ये इंस्टीट्यूशंस हैं,
यहां से स्वाय मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कुछ भी नहीं सीख के जाते। पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा देखता रहा है अफगानिस्तान के तनाजर से, फिर उसके बाद टेररिज्म के हवाले से, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कोई नहीं है। जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है पाकिस्तान बिकेम इररेलेवेंट, आप रेलिवेंट नहीं रहे हैं, एक तो ये बात रही। और चाइना किस नजर से देख रहा है, मतलब अमेरिका का पता चला कि वो अफगानिस्तान, चाइना किस नजर से देख रहा है? चाइना भी आपको सिर्फ, आप बड़ी खूबसूरती से पाक अपनी भारत की दुश्मनी चाइना को बेचते हैं। हालत जंग में है यूक्रेन, यूक्रेन को आईएमएफ ने कर्जा दे दिया, आपको नहीं दे रहा। उसकी वजह यह है कि भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रांग है। और मैं फ्यूचर के लिए आपको आज बात बताना चाहूंगा, अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा आपसे, वरना बात नहीं करेगा। भारत इस अमेरिका इस वक्त अमेरिका इस वक्त अमेरिका की झोली में पड़ा है, अमेरिका उनसे पूछे बगैर आपसे, भारत की झोली में, यहाँ आईएमएफ के अंदर भी और वर्ल्ड बैंक के अंदर भी और बिल्कुल वॉशिंगटन डीसी के अंदर टोटल जो है वो भारत की मर्जी चल रही है। आपको फैटफ से भी भारत से पूछ के निकाला गया था और आगे फ्यूचर में भी भारत से पूछा जाएगा कि आप माइंड तो नहीं करेंगे पाकिस्तान से बात करें।